Hey all you awesomely blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, today's video is going to be a vlog, a day in my life sort of a vlog. Initially I was supposed to go to Beer Billing with my husband and with my sister-in-law, but I'm not feeling well. Actually kal se meri tabiyat kharab hai. Kal bhi hum jane wale the but plan cancel kar diya because of my health, and today also I'm still not feeling well. So, you know, I told them that it's okay, you know, you guys carry on. वैसे भी मैं paragliding नहीं करने वाली थी, मैं एक बार कर चुकी हूँ and वो पहली और आखिरी बार ही है मेरे लिए. So I was like, any which way, I was not supposed to do it. So you guys carry on. And मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाके वो vlog करूँगी, पहाड़ी नज़ारे दिखाऊंगी, बट कोई बात नहीं, हेल्थ कम्स फर्स्ट. दैट इज़ द रीज़न वाई आई चूज़ टू स्टे बैक एट होम. But I thought ki let me do something interesting today. So I got I'll show you, wait. So here I got some pathilele patthar jo meri mother-in-law ne pata nahi kahan se leke aaya, but yeah, she got it. And then I got these amazing looking colors. I mean, look at this neon green, neon orange, and then you have this blue. Oh my god, like जब मैंने ये देखा मैं तो पागल हो गई देख के. आई लाइक आई एम गोना डू समथिंग विद दीज कलर्स एंड या दीज आर माई टूल्स. एंड हम पेपर रख के करने वाले हैं क्योंकि हमें फ्लोर गंदा नहीं करना है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, ऑलमोस्ट डन विद दीज टू एंड लेफ्ट विद दीज. Now we're gonna place it somewhere. Let's see where. मम्मी इसे कहाँ लगाना है? इसे कहाँ लगाना है? आप रखो. इकट्ठे रखना दोनों. इस वाले को इधर रख दो. पौधा ज़्यादा हो जाएगी. ये वर्ड बड़े वाले में रखना है. इस वाले को इधर रख सकते आप. देखो थोड़ा ठीक है. यस, ये इधर रख दे. छोटा सा है पत्थर इतना बड़ा. इसको इधर रख. जितनी जगह हो जाएगा टूटी ना जाए बेचारे पौधे में. ये उस वाले में रखे. इस में रखा उस वाले में रखे. वहां जो नीचे पीछे रखूं क्या के? हाँ बस उसे झुक के देखो, झुक के देख रहे पत्तों के बीच में झुक के देख. ठंडा करो. And these two are resting nicely over here. That one is peeping. And this one seems not interested. Yay! Now I am going to pluck some guavas from this tree, like this one. Now I'm going to put it in my thalu. Hey guys, so I'm back home. Home as in another home. इतने home है मेरे कि मैं इतना confused रहती हूँ. बताते बताते, but I'm back. And मैं कल रात को ही आई थी. And yeah, so ये vlog continuation में है. So जो आपने vlog पहले देखा, मतलब जो part पहले देखा, so I was in धर्मशाला. And right now I am in
पंजाब, बैक टू पंजाब. सुबह उठी मैं, सफाई करी मैंने, बहुत गंदा हो रखा था. ऑफकोर्स अगर 20 दिन से घर बंद हो तो गंदा हो ही जाता है. आई डिड झाड़ू पोछा, एवरीथिंग आई डिड. एंड देन आई टुक 4 क्लासेस एंड आई हैड टू वॉश माई हेयर, बट बिकॉज आई हैड टू टेक माई क्लासेज ऑल्सो एंड 4 क्लासेज आई हैड, सो मैंने सोचा कि फटाफट आई जस्ट क्विकली डू द घर का काम एंड टेक शावर एंड आराम से देन आई वॉश माई हेयर later. So that's what I did. Right now I'm going to have the amrut which you just saw. These amruts I got it from gaon, freshly plucked by me. And hamare wahan pe gaon mein bahut sare amrut lage, bahut sari cheeze, matlab vegetables, amrut. I got some veggies also. I got bhindi, karela bhindi I made last night. It was really nice. And kyunki aajkal bhindi aur karela bahut hone mein हो रहे थे तो आई गॉट करेला एंड भिंडी एंड सम अमरूद ऑल्सो. सो या आई वोंट से दैट्स अ किचन गार्डन जहाँ से मैंने प्लक किया था. इट्स नॉट अ किचन गार्डन, इट्स मोर लाइक अ खेत. तो हाँ, क्योंकि गांव में तो सबका खेत में ही, खेत के बीच में ही घर होता है, तो हमारा भी सेम सीन ही है. एंड या आई एम जस्ट गोइंग टू हैव द अमरूद, आई एम सिटिंग. मेरे को तो खाना था ना, मुझे बहुत भूख लग रही थी. एंड दीज अमरूद्स आर, ओ माई गॉड, इज सो डिलिशियस. ऑल्सो जब हम लोग वहाँ गाँव में थे, सो माई फादर इन लॉ लाइक एवरी मॉर्निंग ही विल गेट अप एंड ही विल प्लक द वेजीज जो हो जाते हैं या फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके एक बास्केट में, ही विल डू दैट. एंड रोज वो हमें बोलते थे पापा कि खा लो खा लो खा लो, बट वी यूज टू बी सो बिजी विद आवर वर्क, घर का काम या क्लासेस लेना या कुछ ना कुछ, तो मन भी नहीं करता था और टाइम भी नहीं मिलता था. बट अभी मैं लेके आई थी एंड राइट नाउ इट्स 5 o'clock नाउ इवनिंग टाइम, सो आई एम हैविंग इट एज एन इवनिंग स्नैक्स. इट्स नाइस. इसके ऊपर मैंने एक नमक भी छिड़का है, और ये जो नमक है ये नॉर्मल नमक नहीं है, ये थोड़ा हमारा कहते ना स्पेशलिटी है गाँव की. सो बेसिकली जो नमक था, आई आई एम नॉट रॉन्ग, दादी जो मेरे हस्बैंड की दादी हैं, तो उन्होंने सिखाया था चाची को, मम्मी को, एंड वो लोग बनाते हैं. तो अगर हम अगर ये जो नमक है, इसमें अदरक भी है, इसमें पुदीना भी है, इसमें नमक भी है सुखा के, सम आई डोंट नो, मैंने अभी तक रेसिपी सीखी नहीं है क्योंकि अभी तक तो मुझे सप्लाई मिल रहा है, तो अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं है. बट मेरे पास ये पूरा डब्बा है. एंड व्हेनेवर इफ आई एम हैविंग एनी लाइक दही अगर मैं खा रही हूँ या मैं छाछ पी रही हूँ या ऐसे कुछ अमरूद वगैरह, सो आई पुट इट. इन फैक्ट नींबू पानी में भी यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग, जस्ट पुट दिस वन स्पून ऑफ दिस नमक एंड नींबू एंड आ हा हा, इतना बढ़िया आपको बिल्कुल. जो सोडा वाला, अगर आपके पास सोडा है तो मैं क्यों बता रही हूँ, आपके पास ये नमक तो है नहीं, इट्स विद मी, सो या आई एम द प्रिविलेज वन हियर. एंड वो व्लॉग मैंने वहाँ पे धर्मशाला में एंड इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो आई डिड एवरी थिंग, देन आई हैड आई थिंक आई हैड अ क्लास आफ्टर दैट, आई टुक अ क्लास एंड देन लंच वगैरह बना के एंड या देन आई स्लिप बिकॉज आई वॉज इन फीलिंग वेल. उसके बाद इतना भागा दौड़ी हुआ बिकॉज अगेन वी हैड टू गो बैक टू गाँव से फिर पैकिंग वगैरह वापस भी आना था. सो मैंने सोचा कि लेट मी कम बैक टू माई हाउस एंड आई विल एंड द व्लॉग हियर. आई ऑल्सो फिल्म 2-3 व्लॉग्स ओवर देयर. मेरे मन ज़्यादा था व्लॉगिंग करने का, बट जैसे कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चली थी और काम भी बहुत हो जाता था, तो टाइम नहीं मिलता था कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में भी आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज मेंटेनिंग माई आई वॉज एक्चुअली कीपिंग अप विद द शेड्यूल. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट, सो गुड जॉब निरुपमा. एंड या विद दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस व्लॉग बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, बिकॉज मैं तुम्हें बता दिया मैंने बहुत काम किया है. तो कितनी बार भी कॉज बोला मैंने, बिकॉज मेरे पौधे, मुझे मैंने अपने पौधों की इतनी चिंता थी ना मुझे, और मेरी पड़ोसन नायक पड़ोसन उसने भी पानी थोड़ा कम कम डाला था, उसकी तो मैं पटाई करूँगी मैं. सो या तो भी थोड़े सूख गए थे, तो आई वॉज वरीड अबाउट माई प्लांट्स ऑल्सो, बट दे आर फाइन, दे आर डूइंग फाइन. अभी मैंने थोड़ा पानी वानी डाला है, सो या. एंड ऑल्सो आई गॉट दिस, सी आई एम स्वेटिंग सो मच. मैंने फ़ैन क्यों नहीं ऑन किया है, क्योंकि धर्मशाला में इतनी गर्मी है ही नहीं, तो इसलिए मुझे वहाँ की थोड़ी आदत पड़ गई है ना, यही होता है मेरे साथ. सो आई माई हस्बैंड गॉट दिस वन फॉर मी, ये डेविड ऑफ का है, कॉफ़ी है, रिच अरोमा, दिस इज़ कॉफ़ी एंड आई लव द डब्बा मोर देन कॉफ़ी, आई लव द डब्बा.
एंड मैं सोची मैं इसके अंदर क्या रखने वाली हूँ. मेरे सारे डब्बे मेरे मैंने रीयूज करती हूँ. सो सभी करते हैं, वी इंडियंस आर लाइक दैट ओनली, दैट्स हाउ यू शुड बी. एंड ये वाली कॉफ़ी ही गॉट इट फ्रॉम, यू गेट इट एनी वेयर एवरीवेयर, एंड ही गॉट इट फ्रॉम मेक यू, यू नो आई एम वेरी मच इन टू कॉफ़ी नाउ डेज. सो एटलीस्ट मैं एक कप कॉफ़ी तो पीती हूँ दिन की, एक ही पीती हूँ, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा पी लेती हूँ कंजम्पशन करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है. सो ही गॉट दिस वन फॉर मी एंड बहुत बोल दिया मैंने, एंड वो भी वापस जा चुके हैं, उनकी भी छुट्टी खत्म. बस मेरी अब जिंदगी दोबारा वैसे जैसे अकेले रहो पागलों की तरह चालू. एंड या आई विल, आई शो यू वन थिंग, आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग, वेट, लुक एट दिस, लुक एट द मेस. ये पिछले 3 घंटे से ऐसे ही है, ठीक है, बिकॉज मैंने ये अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया था, तो आई मूव्ड एवरीथिंग ऑन वन साइड, एंड मैंने वहाँ पे जो बेडशीट था, पिलो कवर्स था, मैंने वो भी सारा हटा दिया, एंड वो सारे वॉश के लिए डाल दिया था. सो आई हैव टू फिक्स दिस थिंग ऑल्सो. सो मैंने सोचा कि पहले मैं एक चैन की सांस ले लूँ, बिकॉज सुबह से मैं बहुत भागा दौड़ी कर रही हूँ, एंड देन आई विल फिक्स दिस एरिया, विच विल नॉट, आई विल डू इट राइट नाउ बिकॉज इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस व्लॉग. बहुत ही अजीब सा व्लॉग था ये, पता नहीं क्या ही व्लॉग था, बट आई एम थिंकिंग टू, आई डोंट वांट टू प्रॉमिस, बट आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग टू डू मोर ऑफ लाइक अ डे इन माई लाइफ सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग. लेट्स सी हाउ इट गोज. मेरा मन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है. आई विल बी फिल्मिंग स्टोरी टाइम वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज यू गाइज लव वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अ लॉट ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर दैट एज वेल. सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. And I'm just going to end this vlog now because I'm tired. And if you like this video, please like this video. Please like, okay? And share, I don't know if you want to. And subscribe to my channel if you like my content. And yeah, I shall see you in my next vlog. Take care.